बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाँ जी नाज़रीन, क्या हाल है आप सबका? ठीक है? हाँ जी, आज मैं बनाने लगी हूँ हड्डी वाला गोश्त है, बड़ा गोश्त, आलू गोश्त बनाने लगी हूँ। ठीक है, जिसमें मैंने आधा किलो गोश्त लाई थी, ये हड्डी वाला ही। तो ये आलू और टमाटर हैं दो छोटे छोटे, और ये दही, दही इसमें डालते हैं, लेकिन मैं टमाटर भी थोड़े से डालूँगी, कलर सही आ जाता है। ये मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, ठीक है, और मसाला डाल के, लहसुन प्याज डाल के, अदरक डाल के ये मैंने थोड़ी देर चलाया वेट, लेकिन अभी थोड़ा सा ना मुझे सख्त लग रहा है, ठीक है, इसकी वजह से मैं फिर दोबारा ये भून के घी डालने लगी हूँ। घी डाल के भून के थोड़ी देर वेट लगाऊँगी कि ये गल जाए। ठीक है, ये बोटी मैंने चेक की है, अभी सख्त है, ये भून के ना तो मैं फिर वेट लगाने लगी। हाँ जी, ये देखिए नाजी, ये भून लिया मैंने, ठीक है। इसमें मैं डालूँगी अब ये सूखी मेथी थोड़ी, ठीक है, इसकी वो बड़ी अच्छी आती है, और ये टमाटर, ठीक है, और ये दही, ये दो चम्मच मैंने दही के डाल दिया, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी दोबारा फिर, ठीक है। ये मेल्ट होते हैं ना थोड़े करके, तो फिर मैं ना इसमें आलू डाल के ना, जितनी देर आलू गल जाएंगे ना उतनी दिन मैं रखूँगी, ठीक है। अभी भून के तो फिर मैं आलू डाल दूँगी। हाँ जी, देखिए नाज़रीन, ये भून लिया तो मैंने, अब मैंने पानी डाला है, और ये डाल दूँगी आलू इसमें, ठीक है। अब थोड़ा सा ये मैं मसाला भी डाल दूँ, मैं 5 मिनट बस मैंने पकाना है, फिर डिश आउट कर देना। ये 1 चम्मच मसाले का डाल दिया, ठीक है। अब 5 मिनट पका के ना, तो प्रेशर मैंने बंद कर देना क्योंकि जल्दी हो जाए, ठीक है। और सुनाए आप लोग, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मुझे सबके कमेंट भी आ रहे हैं, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप टाइम निकाल के मेरा देख रहे हैं, ठीक है। और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखिए नाज़रीन, ये बन गया, ठीक है, अब मैं डिश आउट करने लगा। बिस्मिल्लाह, कैसी लगी है मेरी रेसिपी, ठीक है, बताइएगा कमेंट में ज़रूर। तो हमें याद रखिए, ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़, अगली रेसिपी में मिलेंगे।